हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मानिका मलिक आज आपको ग्रिल फिश बनाना सिखाऊंगी, जो कि घर पर बनाना बहुत इजी होता है। चलिए मेरी किचन में चलते हैं। ग्रिल फिश के लिए हमने एक कांच का बाउल लेंगे सबसे पहले। फिर ये फ्रेश फिश लिए है हमने, इसको हमने क्लीन करके वॉश कर लिया है। आप फ्रोज़न फिश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न फिश का वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश फिश का आता है। 2 लेमन का रस हम इसमें निचोड़ लेंगे। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे, उसके लिए हमने 2 लेमन का रस इस पर सबसे पहले निचोड़ना है, और लेमन भी हमें फ्रेश ही लेने हैं। ये जो रेसिपी है क्विक और डिलीशियस बनती है और थोड़ी स्पाइसी बनती है और सबको पसंद आती है और बहुत ही जल्दी झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो हम यहाँ पर 2 लेमन का रस इस पर निचोड़ लेंगे। और बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट है और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। ज़्यादा टाइम भी इसको बनाने में नहीं लगता। आप इसके एक एक पीसेस को हम दोनों तरफ से लेमन का जो रस हमने निचोड़ा है उसमें पूरी तरह से इसको कोट कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, ताकि लेमन इस पर पूरी तरह से लग जाए। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेड चिली पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे। ओरिगैनो डालेंगे। ओरिगैनो से जो टेस्ट है इसका डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यह हमने ओरिगैनो डाल दिया है। ओरिगैनो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए। मसाले और ओरिगैनो का ही फ्लेवर ग्रिल फिश में आता है। और चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमने चिली फ्लेक्स डाल दी है। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, कश्मीरी टेगी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी टेगी मिर्च से कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है, और हम इसमें कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे। अमचूर डालेंगे। ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे। ये हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी होता है। अब हम इसको फिश के एक एक पीस को दोनों साइड से इस टाइप से घुमाकर, ताकि वो सारे जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो सारे पूरी तरह से कोट हो जाएं, इस टाइप से हम इसको कर लेंगे सारे पीसेस को। दोनों तरफ से पूरी तरह से मसाले इस पर लग जाने चाहिए। फिंगर की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसको रैप करके रखेंगे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, और अगर विंटर्स हो तो हम इसको बाहर भी रख सकते हैं। थर्टी मिनट हम इसको रेस्ट देंगे मैरिनेट होने के लिए। पूरी तरह से हम इसको कवर कर लेंगे बाउल को, और हम इसको फ्रिज में रखेंगे
30 मिनट के लिए, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। ये 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। ये मैरिनेट हो चुकी है फिश हमारी। ये हम टोस्टर लेंगे, टोस्टर में हम इसको ग्रिल करेंगे। टोस्टर को प्रीहीट करने के लिए लगा देंगे स्विच में। एक प्लेट लेनी है, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच मैदा डाला है और 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। आप चाहे तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। दोनों को पूरी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम जो हमने फिश मैरिनेट की थी उसका पीस लेंगे और इस जो ड्राई मिक्सचर है वो पूरी तरह से इस पर कोट कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, इस टाइप से घुमा घुमा कर इसको पूरी तरह से कोट कर लेंगे सारे पीसेस को। अब हम एक और पीस लेंगे, उसको भी इसी टाइप से कर लेंगे। नेक्स्ट पीस लेंगे, उसको भी सेम इसी टाइप से हम करेंगे, ताकि जो पूरा ये ड्राई मिक्सचर है इस पर लग जाए। लास्ट पीस को भी हम इस पर लगा लेंगे। अब हम इसको 2 बार कोट करेंगे। एक बार फिर से सारे पीसेस को हम इसमें लगाएंगे इस टाइप से, ताकि पूरी तरह से कोट हो जाए। ये हम सारे पीसेस को एक बार फिर से ड्राई मिक्सचर में कोट कर लेंगे। अब हम इसमें रखेंगे टोस्टर में। सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे ब्रश के साथ। ये मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल है बहुत ही अच्छी आती है। अब हम सारे पीसेस को एक एक करके इस पर टोस्टर पर लगा लेंगे ग्रिल होने के लिए। मेरा टोस्टर जो है उसका साइज़ जितना है उसमें 4 पीसेस ही आते हैं। अगर टोस्टर बड़ा है तो आप ज़्यादा पीसेस भी रख सकते हैं। अब हम टोस्टर को लगाएंगे ग्रिल पर। थोड़ी देर में 2-3 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये अभी नहीं हुआ है। एक मिनट बाद फिर चेक करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा और होने देंगे इसको। ये देखिए, अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाए हम इस पर ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर भी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ऑयल लगाते इस पर कितनी अच्छी शाइन आ गई है और बहुत ही अच्छी स्मेल इसमें से आ रही है। हल्का हल्का ये जो मस्टर्ड ऑयल का स्मोक जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, हमारी ये ग्रिल फिश बनने वाली है। अभी हम इस पर चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा इस पर ऑरिगेनो डालेंगे लास्ट में, और थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए और ग्रिल होने देंगे। ये फिश बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और सबको पसंद आती है। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आए तो आप ये वाली रेसिपी झटपट से बना सकते हो। पहले फ्रिज में मैरिनेट करके रखो और बस झटपट से जब भी बनानी हो अपना 5 मिनट में हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप गैस पर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिल पैन में रखिए फिश को और इसको थोड़ा सा ऑयल लगाइए। जैसे ही ब्राउन हो जाए उसको पलटते रहना दोनों साइड से, पूरी अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो टोस्टर में आता है। चलो हम चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर और लगेगी इसमें। 1 मिनट और पकाएंगे हम इसको। ये देखिए, हमारी ग्रिल फिश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छा इसमें कलर आया है और कितनी इसमें स्मेल आ रही है। वाह, यम्मी।
बहुत ही अच्छी बनी है ग्रिल फिश। थोड़ी देर हम इसको कवर करेंगे। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी ग्रिल फिश कैसी बनी है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको, ये देखिए दोनों साइड से देखिए कितना अच्छा ग्रिल इसका डिज़ाइन आया है। अब हम इसमें चाट मसाला डालकर गरम गरम सर्व करेंगे। इसको हम साइड में रखेंगे, ये हमने चाट मसाला डाल दिया है, अब हम साइड में रखेंगे, प्लेटिंग करेंगे। ये कोई भी फैंसी प्लेट ले लेनी है और सारे पीसेस इस पर हमें रखने हैं ग्रिल फिश के। सारे पीसेस को हम इसमें रख लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन में इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्रीन चिली चाहिए, ये ग्रीन चिली का हम इसमें यूज़ करेंगे। और एक लेमन के हमने 5 पीसेस राउंड राउंड करके कट कर लिए हैं। ग्रीन चिली को हम सेंटर में रखेंगे। एक फ्रेश लेमन लेना है, उसकी राउंड पीसेस हमें 5 करने हैं और उसको भी हम बीच बीच में डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन अपनी पसंद का डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ लेमन के पीस से डेकोरेट कर रही हूँ। ऐसे बीच बीच में हम लेमन का पीस रख देंगे। देखा कितना इजी था ना इसको बनाना। अब हम दूसरा पीस यहाँ पर रखेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। एक हम सेंटर में रखेंगे। ये देखिए हमारी फिश बनकर ग्रिल रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक देना कैसी लगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय गाइस, ये देखिए हमारी ग्रिल फिश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम नई नई रेसिपीज आपके लिए और भी लेके आ सके। बाय, टेक केयर।